मुखिया पे कंटिन्यू आरोप लगे, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की सभी से, जिन्हें जिन्होंने जिन्होंने आरोप लगाया था, जिनके जिनके एप्लीकेशन में नाम थे, उनके घर गए, हमने जांच किया, ये वीडियो आपको मिलेगा, देखे भी पीछे। इसके बाद आइए मुखिया से बात करते हैं, पूर्णा देवी यहाँ की मुखिया हुई, कि उन्होंने क्या सही किया था कि गलत किया था। कहीं ना कहीं रोंगटे खड़ा करने वाला दृश्य एक एक दिखा हमें यहाँ पे, जैसे कि कांति देवी का दृश्य था वहाँ पे, वो बंदी रो गई हम बोल सकते हैं। क्या कहने चाहेंगे ये, आप पे जितने आरोप लगे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन सब आरोप में? आपने क्या कॉलोनी देने में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसे देने में पैसे खाए? नहीं, हम किसी से एक चवन्नी नहीं जानते, ना एक चॉकलेट जानते हैं। वो एक साल से किसी अथी घर अमर सिंह घर रहती थी, दूसरे के घर में, मेरे घर मांगने के लिए आई, बोले मेरे घर में रहने का उस तरह का जगह नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। तो अमर सिंह घर वो साल भर रही, उसके बाद उसको सेक डाटा में नाम आया, तो हम सोचे कि सेक डाटा में नाम आया है तो गरीब के गांव से पूछे कि क्या इनको देना चाहिए कि कोई आरोपी होगा, तो बोले नहीं, इसे इनको देना चाहिए, ये बहुत गरीब है, तीन गो उसकी बच्ची है, एक बच्ची की शादी हुआ है, एक बच्ची अभी 22 साल की उनके कुमारी है, 15 साल का बेटा है जो अभी मारल फिरल चल रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, पढ़ा भी नहीं पा रही बच्ची, उनको बहुत दिक्कत है कांति देवी की, इसलिए सब गांव से सहयोग ले करके हम उनको इंदिरा आवास दिए हैं। उन्होंने भी बताया हमें, और हमें भी जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए, उनके घर गए तो सही से खड़ा होने का जगह नहीं था, उनका जो पहला जो मकान था वो सभी चीज़ें हमने देखी है। लेकिन ये सब जो आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं आप गाँव से पूछ के सब कुछ किए, तो अब क्यों नहीं गाँव खड़ा है आपके साथ? गाँव में कांति देवी घूमी कल आवेदन लेकर के, तो सबको साइन किए हैं, सबको यही बोल रहे हैं कि मुखिया जी ठीक किए, मुखिया जी कोई इसमें अथी ना, एक टेहुना पानी में वो रहती थी, खटिया पर चौकिया पूरा उनका डुबल रहता था, इस तरह खाना बना खाती थी, और अमर सिंह रहती थी, इसीलिए हम लोग गाँव से पूछ करके दिए हैं, तो आप इसमें जो हमको गुनाहगार लगाइए, हम गुनाहगार हैं, और क्या बोले, राज्य कोर्ट तक लड़े केस, लेकिन हम 100 रुपया नहीं दे पाते हैं, 5000 रुपया भर देता है, क्या करें हम? हम बाल बच्चा के गुजर के टाइम में केस लड़े कि अपना गुजर काटे कि घर द्वार हम देखें। हमरा है आज, हमको जब रहता तब आज हम सरकार के सहारा काहे लेते, हमको जब वो करबे करता, हमको देखबे करता हूँ, तो हम काहे करते सर, घर घर भीख मांगते बाल बच्चा के इलाज, चावल बनाता तो मार जो पसाता था उससे मांग लेने के, बचपन के निमक को दे दे के पिलाते थे बचपन के, ये तिथि से हम गुजर काटे। कांति देवी पति बलेश्वर राणा काफ़ी सुर्खियों में, ये भी ये जो लेडी है, इन्हें इस तरह का बोला गया है न्यूज़पेपर के थ्रू कि इन्हें 10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, ये इनके पति एक सर्विस विशेषियल नौकरी करते हैं, और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू इन्हें घर मिला है, और ये जो जब हमने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की एग्जैक्ट सिनारियो देखे हैं, तो फिर ये घर था उनका, इस घर में रहते थे वो, अब भी घर देख सकते हैं, सही से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और गहराई की बात कर तो काफ़ी गहरा है, और बरसात के समय मैं बोल सकता हूँ कि पानी कमर तक आने के चांसेस थे इस घर में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, तो यही स्थिति है, से देख रहे हैं आप लोग, सही जो है सो, हम तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हमारा हस्बैंड सर्विस करते हैं, लेकिन 20-22 साल से दूसरा मैरिज जो कर लिए हैं, तब से हम लोग पर निगरवाने कुछ नहीं है, तीन गो लड़की है, एक गो लड़का है, एक लड़की के सबको ही मिलजुल के शादी किया। मुखिया पे आरोप लगा है कि आपको आवास नहीं मिलना चाहिए था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मिलना चाहिए थे कि नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, हमको तो मिलना चाहिए, तबे लिए हैं, जहाँ जब पानी जब भर जाता था बरसात में ने, तो जहाँ जहाँ आम सभा बैठता था तहाँ तहाँ हम दरख्वास्त लिख के देते थे। एक साल यहाँ बगल ने अमर कुमार चंद्रमंसी है, उसका यहाँ हम 1.5 साल सामान रखे, उसी बगल नहीं है पिंटू साहब है, उसका यहाँ हम 6 महीना गाय बांधे, उकरों से नहीं हुआ तो यहीं बगल मंझोलिया बस्ती है, उसका यहाँ गाय बकरी बच्चा सब लेकर के जाके 3 महीना रहे, उकरों से फिर जब हुआ जो हमारा हस्बैंड है तो हमारा फोन कॉल नहीं उठाते हैं, और दूसरा गोटे को के मोबाइल से कॉल जब करके बोले देखिए सयाना लड़की है, दूसरा के द्वार में हम कई दिन रहेंगे, घर के कुछ व्यवस्था कीजिए, लेकिन नहीं की। आपके पति विशेषियल नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनका, और उनको प्रति माह आपको 10,000 रुपीज़ देते हैं, इस तरह का मेंशन है न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल आया उसमें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, हमको पास जब हम पहला कोर्ट से केस किए हैं तो हमको 600 रुपया
चार आदमी के 2400 रुपये मिल रहे थे। फिर वो रांची कोर्ट से जाके क्रॉस करके उसको बंद कर दिए। तो फिर हाई कोर्ट, फिर हम रांची कोर्ट से लड़े तो फिर 2000 रुपया बढ़ाया गया, अभी हमको 4500 रुपया मिल रहा। 4000 रुपये ने चार को बच्चा पढ़ावे कि खाना खाएं कि बाल बच्चा के शादी ब्याह करें कि घर बनाएं, वो स्थिति ना समूचा गांव की स्थिति जब हमको देखा जो ज़्यादा डाउन हो गया तो सबको मिल विचार करके हमको इंदिरा आवास दिया है। अब का हमारा ने गलत है कि का मुखिया जी ने गलत है, आप लोग भी भैया लोग आप लोग भी देख भी सकते हैं जो का पोजिशन हमारा है। आज हमको जब रहता तब आज हम सरकार के सहारा काहे लेते, हमको जब वो करबे करता हमको देखबे करता हूँ तो हम काहे करते सर घर घर भीख मांगते बाल बच्चा के इलाज कम चावल बनाता तो मार जो पसंद था उससे मांग लाने के बचपन के निमक को दे दे के पिलाते थे बचपन के, ये स्थिति से हम गुजर काटे। पति शिकायत नहीं किया तो पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं की कि इस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया जा रहा है? कोर्ट से यहाँ से कोर्ट तक ले लड़े, राज्य कोर्ट तक ले लड़े केस, लेकिन हम 100 रुपया नहीं दे पाते हैं, 5000 रुपया भर देता है, क्या करें हम? हम बाल बच्चा के गुजर के टाइम में केस लड़े कि अपना गुजर काटे कि घर द्वार हम देखें? घर द्वार भी जमीन जगह भी गोतिया भाई नहीं देता, कहता हमारा हिस्सेदार वो है तुम नहीं है, कैसे गुजर काने बताइए? ऐसा पोजिशन हो जाता था हमारा बाल बच्चा के को कलम उठा दे देता था, को कॉपी उठा दे देता था। सरकारी स्कूल ने पढ़ाई अठवा तक ले, फिर दूसरे क्लास टेंथ क्लास जब बैठना स्कूल में पढ़े हैं तो जाकर मास्टर टीचर गिड़गिड़ाते थे, कांदे रो देते हैं, गोड़ पड़ते थे, तो फीस माफ़ कर देता था और फीस नहीं लेंगे जा जो स्थिति है से। अभी नहीं पढ़ा पाए, देखे 15 साल के लड़का भी दुकान में काम कर रहा है महाराजगंज ने अशोक साहब के दुकान ने, वहाँ भी जाके इंक्वायरी ले सकते हैं, देखिए सियान बेटिया लेके झक रहे हैं, ना उसको पढ़ा पाते हैं ना शादी कर पाते हैं, क्या करें कौन स्थिति है सब लोग देखिए भैया। पति क्या बोलते हैं जो बलेश्वर राणा, वो क्या बोलते हैं आपसे, क्या आश्वासन मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी पुत्री हुई तो वो क्या बोलते हैं? ना कर, हम करेंगे ना, कोई भी उसको कहता है वो शादी बेटी से यार ना हो गई इन लोग के भी देखें, हम नहीं देखेंगे, हमको मर्जी, हमको मर्जी होगा देखेंगे, नहीं मर्जी को नहीं देखेंगे, हमको बाप का नौकरी है हम सबके देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। जब वो देखबे करता था हम कोर्ट के द्वारा काहे सहारा देते, कोर्ट कचहरी काहे करते हैं, सरकार का सहारा काहे लेते हैं? कुकर शौक है सबको, माँ बहन है सबके, बीवी है सबको, अच्छा से खा रहा था, ककरे स्थिति नहीं बीत रहा है? जब हमको नहीं कर रहा है तभी ना हमको स्थिति बीत रहा है सर। मुखिया पे आरोप लगा है कि आपको यह आवास नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने आपको इलीगली करके इलीगली तरीके से आपको आवास दिया गया है, तो फिर इस पे क्या कहने चाहेंगे आप? अब देखिए जो लगा हुआ है सब लोग के जहाँ तक ले है नियम विनती करके माफ कर दीजिए सर। उन पे अभी जांच भी बैठा हुआ है मुखिया पे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, मुखिया के लिए, और क्या अपील करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से जो उन पे जांच कर रहे हैं, कि क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? देखिए सर, सर हम तो महिला है, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप आदमी है, हमारा तो उतना दुर्लभ दिमाग तो है नहीं, लेकिन अब किसे हम बता सकते हैं? आप लोग के जो विचार है गलत, मुखिया जी तो नहीं किए, हम जब ऐसा स्थिति आदमी के नहीं देंगे वो तो किसका देंगे? हमारा कई स्थिति सब लोग तो देख रहे हैं, लेकिन जब ऐसा ऐसा आदमी के नहीं मिलेगा इंदिरा आवास चाहे और कुछ नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? जिसका है प्रॉपर्टी उसका मिलेगा है? रोंगटे खड़े करने वाली वारदात होती है यहाँ पे, जिन्हें जो डिजर्व करते हैं उन्हें मिलता है फिर भी तकलीफ होता है, और जो डिजर्व नहीं करते उन्हें मिलता है तो कुछ तकलीफ नहीं होता है कुछ लोगों को। ये जो लेडी है ये अपील कर रही लोगों से कि मैं गरीब हूँ मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उन पे भी कार्रवाई हो रहा है, क्या कहने चाहेंगे आप लोग? इस तरह का होना चाहिए सिनारियो? सही से एक कमरा नहीं है, हम बोल सकते 8x8 का कमरा भी नहीं है ये, और हाइट के हिसाब से देखिए मेरा सर पे ये लग रहा है, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं? तो इन्हें आवास नहीं मिलना चाहिए तो किसे मिलना चाहिए आप ही लोग बताइएगा। रवि यादव के साथ अरविंद साह, सौ न्यूज़।